You know, when God came to Adam and said, "Who told you that you were naked? Who told you? Who gave you this information? किसने तुझे ये जानकारी दी?" God didn't ask, "Where did you see that you were naked?" God said, "Who told you?" That means there is a source of information that is still making you think that you are not good enough. एक ऐसा सोत्र है जानकारी का जहां से तुम अभी भी जानकारी ले रहे हो, जिसको तुमने अभी भी अपना ध्यान दिया हुआ है, जिसको तुमने अभी भी अनुमति दी है कि वो तुम्हें इन्फ्लुएंस कर सके, तुम्हारे ऊपर प्रभाव डाल सके. वो तुमसे कह रहा है कि तुम टिड्डियों समान हो. ना परमेश्वर ने कहा, ना तुम्हारे दुश्मनों ने कहा. दिस माइंड के हमारे भूतकाल के जीवन के अनुभव इतने गहरे रीति का छाप हमारे मनों पर छोड़ दिया है कि हमको लगता है हम तब गुलाम थे, कुछ नहीं कर सकते थे. अब आजाद है मगर देखो दानव है, हम कुछ नहीं कर सकते. प्रॉब्लम यह नहीं है कि तुम्हारे वर्तमान में तुम उन्हीं समस्याओं या दुश्मनों का सामना कर रहे हो जिनका सामना तुमने अपने भूतकाल में किया था. समस्या यह है कि तुम अपने वर्तमान में भी उसी दुश्मन से जानकारी ले रहे हो जिसे तुम कब का हरा चुके हो, जिसको तुम्हारे लिए यीशु मसीह ने हरा दिया. तुम अब भी उसी जानकारी पर लगे हुए हो, वहां से बाहर निकल नहीं पाए. आई एम टेलिंग यू हाउ टू ओवरकम दिस माइंडसेट. पिछले हफ्ते हमने सीखा कि किस तरह हमारी कब्रें हमें रोक कर रखती हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह हम उन कब्रों से बाहर आ सकते हैं, किस तरह हम हमारे मनों को एक नई दिशा दे सकते हैं. नंबर वन, वी गॉट टू स्टॉप लिसनिंग to the lie of the enemy. जो दुनिया मुझे यह कहती है कि ना तू नहीं जीत सकता, और मैं उसी की आवाज को सुन रहा हूं. मेरा मन अभी तक नया नहीं हुआ है, क्योंकि ना मेरे दुश्मन ने मुझसे कहा मैं टिड्डी हूं, ना परमेश्वर ने मुझसे कहा मैं टिड्डी हूं, मगर मैंने सोच लिया कि मैं अपनी ही नजरों में टिड्डी हूं. मतलब मैं गुलामी से बाहर निकला हूं, मगर मेरा जो अपने आप को देखने का तरीका है वो नहीं बदला. टुडे आई वॉन्ट यू टू थिंक, हाउ आर यू लुकिंग एट योर सेल्फ राइट नाउ? आज आप अपने आप को किस रीति से देख रहे हो? यस, मे बी यू स्टार्टेड एंड यू स्टार्टेड व्हेन देयर वाज नोबडी with you, nobody for you. But today, you have a community that is standing with you. शायद आपने जब शुरुआत की थी तो आपके लिए कोई नहीं था, आपके साथ कोई नहीं था, आपको सब कुछ खुद करना पड़ा, आपको कई चोट का सामना करना पड़ा. लेकिन आज आपकी सच्चाई वो नहीं है. लेकिन अगर आज आपकी वर्तमान सच्चाई वो नहीं है, लेकिन आपके सोच वैसे ही है, तो आप अब भी कब्र में हैं. तो उस जानकारी को जो अब तक आप तक आ रही है, आपको कट करना होगा. दैट्स योर एक्सपीरियंस, यू गॉट टू कट दैट एक्सपीरियंस अवे. डोंट फॉरगेट इट, बट डोंट लेट इट गवर्न योर टुडे. आर यू विद मी? वो आपका अनुभव है, आप शायद उसको भूल नहीं पाएंगे, लेकिन उस अनुभव को आपके आज पर आप राज न करने दें. हालेलुया. तुम इज़राइल का घराना हो, तुम कभी हड्डियां थे मगर तुम अब सेना हो, मगर तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम हड्डियां. तुम कभी गुलाम थे मगर तुम्हें गुलामी से बाहर निकाला गया है, मगर तुम्हें लगता है अब भी कि तुम टिड्डियों समान हो, तुम विजयी नहीं हो सकते.
आपको पाप से बाहर निकाला गया है, आपको आपकी कमजोरी से बाहर निकाला गया है, लेकिन अब भी आपकी मानसिकता एक पीड़ित व्यक्ति जैसी है. Thinking like a victim. You know why? Because the source of information that tells me that I am a grasshopper has not been cut away. So I'm here today to tell somebody, cut the cord to that source of information. वो सूत्र जहां से ये जानकारी आ रही है कि तुम नंगे हो, तुम कमजोर हो, तुम्हें किसी और की जरूरत है, तुम अपने आप में परिपूर्ण नहीं हो. I am talking to some people today. The reason we feel like grasshoppers in our own eyes is because we are not allowing the word of God to influence us. We are allowing the world, the devil, our experiences, our past to tell us who we are today. Listen, God is waiting. He's waiting for you to come to Him so He can remodel the way you think. परमेश्वर रुके हैं, उसका वचन इंतजार कर रहा है कि आप आए और उसके वचन के द्वारा वो आपके मन के सोचने के तरीके को बदले. टुडे एज गॉड आस्क्ड एडम, आई एम आस्किंग यू, हु टोल्ड यू दैट यू आर वीक? आज जैसे परमेश्वर ने आदम को पूछा था ना कि किसने कहा तुझसे कि तू नंगा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसने कहा आपसे कि आप कमजोर हैं? किसने कहा आपसे कि आप विजय नहीं हो सकते? किसने कहा आपसे कि आपका परिवार जिन जिन कंगाली के दौर से गुजरता आया, आपको आगे भी उससे ही गुजरना पड़ेगा? किसने कहा आपसे कि जिस एक्सीडेंट से शायद आपके परिवार से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, आपको भी उसी एक्सीडेंट का सामना करना पड़ेगा? किसने कहा आपसे? और अगर वो जानकारी का सूत्र आपको पता है, और मैं जानता हूं आपको पता है, आज मैं आपसे कहने आया हूं, परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है कि आप उस सूत्र से नाता तोड़ सकते हैं. यू हैव बीन गिवन द ग्रेस to cut that source of information. Because the word of God says, He has made you head and not the tail. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने तुम्हें सर बनाया है, पूंछ नहीं. उसने तुम्हें ऊपर रहने के लिए बनाया है, नीचे रहने के लिए नहीं. Hallelujah. Hello everyone. I hope you were blessed. Do like, share and subscribe. And don't forget to leave a comment below. Stay blessed.